पर राजनीति हावी पड़ गई है जो कुछ दिन पहले बड़े नजदीकी रिश्ते के सूत्र में बंधी थी। भाषा बदली है, राजनीति की परिभाषा बदली है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र सिंह यादव हैं, ऐलान किए हैं कि 243 सीटों पर अब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जानते हैं प्रत्याशी कितने इनके पास हैं, तैयारी क्या? रामचंद्र जी कैसे जा रहे हैं? 243 सीट पर तैयारी भी है और पूरी ताकत के साथ प्रत्याशी भी हैं, और आपके सामने दिखाई दे देगा कि ये जो महागठबंधन के निर्माण में जो चंद लोग मिलकर के धोखा दिए, पीठ पीछे छुरा मारे, संस्कार को भूल गए, संस्कृति को भूल गए, पीछे से धोखा दिए, कहे कुछ किए कुछ, जिनको हमारे नेता ने रिश्तों को ताक पर रख दिया, आपको मेजोरिटी को ताक पर रख दिया, उनके कंधे पर भार दिया, जैसे सबको धोखा दिया वैसे हमें भी, हमारे नेता को भी धोखा दिया। समाजवादी पार्टी कृत संकल्पित है, पूरी ताकत के साथ 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी और जीत इसलिए हासिल करेगी कि बिहार के लोग भयक्रांत हैं। एक तरफ सांप्रदायिकतावाद आ जाए तो एक वर्ग डर रहा है कि हम लोग कहाँ रहेंगे, दूसरे तरफ लोग डर रहे हैं इस बात को लेकर के कि भाई कहीं ये जंगल राज और सुशासन के नाम पर दुशासन आ जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। ये दोनों वर्ग डर से है, भय में था, तो ये दोनों डर दोनों वर्ग के एक विकल्प के तौर में समाजवादी व्यवस्था आई है और तीसरे फ्रंट की भी कवायद चल रही है, वैसे हमारे 243 सीट पर तैयारी। रामचंद्र जी फिर रिश्तों की दुहाई क्यों होती है? रिश्तों की राजनीति में रिश्ता कहाँ? बिल्कुल यही अलग है, रिश्ता अलग है, रिश्तेदार है लालू जी हैं, रिश्तेदार में कहीं से कोई उत्तर, रिश्तेदार रहेंगे ही रहेंगे। अब आप लोग रिश्ते की बात करते हैं, बीच में कई बात आ जाती है कि पप्पू यादव हमारे ससुर हैं, वो दल कोई और है, हमारा राजनीति अलग है, उनका राजनीति अलग है, रिश्तेदारी कहाँ इसमें? चलिए एक अंतिम सवाल है, कितने लोग आपके साथ हो रहे हैं? समय आने में बता देंगे। कम से कम 100, कम से कम 100 उस कुनबे से, वो छोड़िए ना, अभी इस कुनबे से जो एनडीए गठबंधन या लठबंधन से हो सकता है टूट करके इधर आ जाएंगे। मोर्चे की भी बात कर रहे हैं, उसमें कितने लोग आ रहे हैं? मोर्चे में मुख्यतः दो दलों से बात चल रही है। तो अभी मोर्चे की भी बात है, हालांकि 243 का जो आंकड़ा है वो सपा अपने बूते पर पाने की कोशिश और तैयारी में भी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये मोर्चा और अकेले सपा राजनीति के किस मुकाम को पाती है। कैमरामैन कुंदन के साथ भूपेंद्र दुबे, जन टीवी, पटना।